अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्टअप्स जी। तो आज हम देखेंगे कि मूवी ऐप कैसे बना सकते हैं। मूवी ऐप हो गई या सॉन्ग ऐप या कार्टून, बच्चों के लिए जो कार्टून वगैरह होते हैं इससे रिलेटेड ऐप हम कैसे बना सकते हैं, इसमें थोड़ी सी एडवांस है। और ये ऐप जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी, ठीक है, तो सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये यूट्यूब की जो वीडियो वाली ऐप हम बनाते हैं, यानी जिसमें यूट्यूब प्लेयर यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो जो है गूगल प्ले स्टोर जो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो इसलिए मैंने ये उनकी उन्होंने ऐप पब्लिश की हुई थी यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने वहीं से इसको इंस्टॉल की है और यहीं से आपको मैं चाहे इसको प्ले करके रन करके दिखाऊंगा। और ये लास्ट मई 15 मई को ये यहाँ पे पब्लिश हुई थी। सो आई थिंक महीने से ज़्यादा हो गया, इसको कुछ भी नहीं हुआ और इस पर जो है कॉन्टेंट अभी तक इसका उसी तरह से चल रहा है, ठीक है। सो आप लोग भी यहीं से ट्राई कर सकते हैं, इसको मैं आपका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये इसमें कोई इशू आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। हम सबसे पहले अलाउ कर देते हैं परमिशन। हम यहाँ पे सप्लाई स्क्रीन है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये यहाँ पर पूरा डाटा लोड होने के बाद उसको जो है शो करेगा। देखें कॉन्टेंट जो है इसमें थोड़ा 18+ है, तो उसके लिए मैं सॉरी करूँगा क्योंकि ये कॉन्टेंट उन्हीं का है। सो उनको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए थी मैंने तो बना दी थी कॉन्टेंट, हमारे पास यूज़र का अपना होता है जैसा भी उसमें ऐड करना चाहे। सो देखें ऊपर जो है एक ऑटो स्वाइप जो है चल रहा है बैनर हेड की तरह। सो इसमें जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। सो यहाँ पे आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अपना आप कस्टम एड्स भी लगा सकते हैं डिफरेंट कंपनी से लेकर अगर आपकी ऐप जो है फेमस हो जाती है। इसके बाद देखें नीचे तीन कैटेगरीज हैं और ये स्वाइप वाली है। देखें जैसा कि आपने नेटफ्लिक्स पर देखा होगा या इस तरह कुछ ऐप्स पर कि यहाँ पर आपको ये स्वाइप वाली हॉरिजॉन्टल जो है मिल जाती हैं। अब यहाँ पे देखें अगर मोर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसी कैटेगरी की सारी वीडियो जो हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। और ये देखें इस पे ऐड भी शो हो रहे हैं, देख लें। और प्ले के बटन पे करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। मैं जाता हूँ बैक दोबारा से और यहाँ से मैं किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर। अभी देखिए यहाँ पे इसको इंडिकेट करने के लिए भी जो फर्स्ट टाइम यूज़र आ रहा है कि क्या उसने करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और ताकि यूज़र देखें वीडियो भी प्ले हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे आप देखें आपको उसी कैटेगरी से रिलेटेड जितनी वीडियो होंगी यहाँ पे आ रही, ताकि यूज़र जो है बार बार जो है बैक पे ना जा सके, ठीक है। सो यहाँ से इसको मैं फुल स्क्रीन करूँगा तो फुल स्क्रीन पर भी चला जाएगा ये। और यहाँ से इसको मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ से देखें हम बैक पे आ गए। इसी तरह से जो ऊपर वीडियोस प्ले हो रही हैं इस पर प्ले वीडियो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सो यहाँ पे भी ये देखें वो जिस तीन वीडियोस इमेजेस हैं उसी के साथ की जो वीडियोस वहाँ पे प्ले हो रही हैं, ठीक है। जिस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे उसी का लिंक वो प्ले करेगा और साथ में जो है यहाँ पर ये कैटेगरी कोई भी यहाँ पर नीचे रैंडम सेलेक्ट करके शो कर देगा। इसके अलावा यहाँ से बैक जाते हैं तो साइड मेन्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉच लेटर लाइक वीडियो रेट ऐप शेयर अबाउट और सारा कुछ इसमें दिया गया। तो एक बात तो ये कि ये तो इसका जो लेआउट है ये एक कॉपीराइटेड है क्योंकि ये पेड ऐप है। सो अगर आप इसको इस तरह सिमिलर बनाना चाहे थोड़ी बहुत चेंजेस करके सो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सो और जो लोग खुद बनाना चाहें उनको बता देता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, ये लेआउट कैसे बनेगा। सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास सप्लाई स्क्रीन है, ठीक है। और फिर जो मैंने ये इमेज लगाई गई यूनिक से डिज़ाइन की गई थी और इसको लगाया गया है। इसके बाद अगर इसको मैं इनविजिबल कर दूं यहाँ पे तो मेन चीज़ जो है इसका यूआई जो मैंने डिज़ाइन किया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मूवी स्क्रीन लेआउट जो है इसको मैं विजिबल कर लेता हूँ सो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरे पास है वेब फ्लिपर, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा वेब फ्लिपर आपको ये देखें ये वाला। और इसकी हाइट जो है मैंने 30% रखी हुई है, ठीक है, आप जितनी चाहे रख सकते हैं अपने हिसाब से। और इसका इंटरवल जो है मैंने 2500 पे रखा हुआ और इसको जो है स्वाइपेबल ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है नीचे ये एक अरेंजमेंट है और इसको बटन बनाया हुआ मैंने इनेबल करके और ये एक लेबल है। इसके बाद जो आप स्वाइप वाली देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने पहले एक लेना है वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है, उसके बाद फिर आपने एक लेनी है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और उसके अंदर जो आपने एक लेबल लेना है, लेबल पर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ कैटेगरी का नेम, फिर एक स्पेस और फिर एंड पे एक और लेबल है और उस लेबल को आपने क्लिकेबल कर लेना ताकि इस पर क्लिक होने के बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है इसी कैटेगरी की वीडियोस शो हो जाए। उसके बाद देखें आपने लेना वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट वो आपको यहाँ से मिल जाएगा और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट ये आपने लेनी है, ठीक है। इसमें फिर आपने
ये इमेजेस जितनी आप चाहें लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ 6 की हैं, 6 इनफ होती हैं एक स्टैंडर्ड लेआउट के लिए, यूआई के लिए, सो 6 मैंने रखी हैं, इसलिए इसी तरह से सेम जितनी कैटेगरी से मैंने इस तरह इसको डिज़ाइन किया हुआ है। सो आप भी जो है इसी तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी आपको तो ये बहुत ईजीली और बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको मैं यहाँ जाने से पहले आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे ए टेबल दिखा दूँ। ए टेबल क्या है, ए टेबल में देखें ये स्लाइडर, स्लाइडर पे ये जो इमेज शो हो रही थी उनका यूआरएल है तीनों का, ठीक है, और ये आगे उनकी वीडियो यूट्यूब वीडियो की आईडी है, तो जिस भी उस पर क्लिक होगा तो ये उसी को प्ले करेगा, और ये आपको बताऊँगा कि ये यूआरएल कैसे वहाँ पर चेंज हो रहा है स्लाइड के साथ। सो ये आगे जो है ये तीनों उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, इसमें थंबनेल वगैरह वो खुद ही ले रहा है, ब्लॉक से हम गेट कर रहे हैं, इसमें मेन चीज़ टाइटल लिंक है, सिर्फ टाइटल लिंक और ये फील्ड 4 वाली, इसलिए लीजिएगा के जो बाद में हम कंटेंट अपडेट कर रहे हैं इसमें वो सबसे ऊपर आ जाए, ताकि न्यू कंटेंट जो ऊपर हमेशा शो होता रहे, यूज़र जो है उससे बोर ना हो जाए ऐप को यूज़ करते हुए। सो इसमें मेन चीज़ टाइटल और लिंक और ये फील्ड 4 है, ठीक है, तो ये इमेज वालों को आप फिलहाल इग्नोर कर दें, इसको जस्ट हमने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सिर्फ फिल किया हो हमने, वरना इसकी जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने ब्लॉक पार्ट में स्क्रीन 1 के। अच्छा जी, यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइज होगी, ठीक है, बाकी ये साइड मेन्यू के यहाँ पे ये आइटम्स को ऐड कर रहा है, इसमें देख सबसे पहले वो इंटरनेट को चेक करेगा यहाँ पे वेब 1 गेट से, ठीक है, जब वो यूआरएल वहाँ से ले लेगा वन गो टेक्स्ट, तो इसमें आपको मैं मेन की पॉइंट्स ये बताऊंगा, जिस तरह के इमेजेस हैं वहाँ पे ये हो रहा है कि जिस तरह की मैंने इसको फील्ड 4 यहाँ ऐड की हुई ना, यानी कि इसको मैंने सॉर्ट किया हुआ है, ये देखें इसको मैंने सॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे, सो यहाँ पे जो लास्ट पे होगी वो सबसे ऊपर आ रही है, और इसी तरह से ये ऊपर वाली 6 वीडियो जिस भी कैटेगरी की हैं ये उसी कैटेगरी में सबसे पहले फर्स्ट पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे लास्ट में कोई वीडियो ऐड कर देती हैं, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर टॉप पे आएगी, और टॉप पे ही आपके फर्स्ट पेज भी वो टॉप पे नंबर 1 पे ही शो होगी। सो ये भी इस तरह से होगा कि यूज़र जब बार बार उसको ऐप को ओपन करेगा सो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको डाटा चेंज होता नज़र आएगा, यूज़र बोर्ड नहीं होगा। सो एक तो ये ऑटो रिफ्रेश का भी आप समझ सकते हैं काम कर सकता है ये, सो एक तरह से इसका ये फ़ायदा भी है। और उसके बाद देखें जी, जब स्क्रीन इनिशियलाइज हुई तो वेब 1 गो टेक्स्ट उसने टेक्स्ट ले लिया, वेब 1 गो टेक्स्ट पर उसने क्या किया, गेट कॉलम 1, 2, 3, ये तीन कैटेगरीज हैं डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल हैं, सो मैंने इनके ये लिंक वाले जो है ये मैंने कॉल की हुई है, ठीक है, तीनों की ये मैंने कॉलम कॉल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये इमेजेस और लिंक जो हैं ये स्लाइडर की हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, पहले सेपरेशन 2 को गेट कॉलम मैंने किया, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ सेपरेशन 2 का, ये देखें सेपरेशन 2, इसके ऊपर मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, वेरिएबल आपको पता है कि क्यों यहाँ पे हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, ताकि इसमें अपने डाटा को हम पूरे कॉलम की डाटा को इसमें स्टोर कर सकें। यहाँ पे इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ, उसके बाद आप ये देखें कि ये पिक्चर फर्स्ट कैटेगरी में 6 इमेजेस हैं, तो ये 6 इमेजेस को मैंने पिक्चर पर करके और कॉल यूट्यूब गेट थंबनेल ये वाला जो था ये वाला ब्लॉक ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो लिस्ट है वीडियो आई डी, इसको मैंने क्या किया यहाँ से इस लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स ले लिया है ये वाला ब्लॉक, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिया हुआ, क्योंकि इसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बेशक जितनी मर्जी वैल्यू चेंज होती है, जैसे मैंने रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पे आप लास्ट पे जो अपडेट करेंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पे इसी तरह से वो ये पहली 6 जो सेल्स हैं उसी की वैल्यू यहाँ से गेट करेगा, सो यूज़र को हमेशा से न्यू कंटेंट मिलता रहेगा। अब ग्लोबल लिंक ये इसमें स्टोर किया और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया ग्लोबल लिंक ये लिस्ट से, उसको मैंने क्या दिया पहले वाली जो वैल्यू है इसकी शो करे 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक मैंने इसको यही वाली लिंक 1 जो है वाली लिस्ट उससे मैंने इसको शो कराया, ठीक है, और नीचे वही स्प्रे इसको फॉल्स कर दिया स्प्रे स्क्रीन को और टाइटल और इसका स्टेटस बार को विजिबल कर दिया। इस तरह जो है सेकंड कैटेगरी इसमें भी मैंने क्या किया जो है लिंक 2 वाली जो लिस्ट है उसमें मैंने सारी वैल्यू स्टोर की और 1 बाय 1 यहाँ पे भी देखें इसमें लिस्ट अब 2 है, ठीक है, कैटेगरी 2 है, तो ये सेकंड टेबल की लिस्ट में से जो है यहाँ से ये वैल्यूज़ ले रहा है पहले 6 सेल्स की। इस तरह नीचे आएंगे तो ये थर्ड वाले की भी यहीं से वैल्यू ले रहा है, ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पे देखें ये स्लाइडर वाला आ गया। स्लाइडर में अब हमने क्या किया हुआ है, जब इसने स्लाइडर की वैल्यूज़ यहाँ पे लिंक्स उसके स्टोर कर ली हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पे टाइमर लिया हुआ है, ठीक है। टाइमर को मैंने क्या किया हुआ, एक सेकंड में उसका टाइम रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड में टाइम इसलिए मैंने रखा हुआ है ताकि जब भी 1 सेकंड बाद क्लिक करेगा, सो यहाँ पे ये देखें इसको पहले प्लस कर रहा है 1 पे, ठीक है, प्लस 1 कर रहा है। और साथ ही आपको जो लिंक लेबल टेक्स्ट है, ये लिंक मैंने लेबल लिंक लिया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने इनविजिबल किया हुआ है, यहाँ पे इसका लिंक स्टोर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जब क्लॉक जो है प्लस 1 सेकंड बाद आ रहा है तो उसमें प्लस 1 कर रहा है, 1 है तो 1 में प्लस होगा तो 2, तो यहाँ पे ये इसी लिस्ट में से 2 वाला लिंक ले लेगा, 2 के बाद 3 को तो 3 वाला लिंक ले लेगा, 3 के बाद फिर ये जब इज इक्वल टू 3 होगा तो दोबारा से इसको ये 1 पे कर देगा और वही यहाँ पे इसको वही लिंक यहाँ प्रोवाइड कर देगा। सो यह होपफुली आपको स्लाइडर का भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पे, जो आपने मोर का बटन देखा हुआ था कि मोर पे क्लिक होने के बाद जो है ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा था और वहाँ पे पूरी उसकी वीडियो उसी लिस्ट की शो कर रहा था। सर यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये स्क्रीन 3 पे जा रहा था और ये जो टेबल का नेम है ये वो लिखे जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। या आपको भी जाकर मैं स्क्रीन 3 पे बताऊँगा कि आपने क्या करना है। इसके बाद जो ये मेन बटन जो वीडियो प्ले वाला था, तो यहाँ पे स्क्रीन 2 पे जा रहा था प्ले, और यहाँ पे ये लिंक लेबल वो जिस पे मैंने लिंक स्टोर करके उसको मैं क्लॉक से बार बार रिफ्रेश कर रहा था, तो वो ये उसी का टेक्स्ट लेके नेक्स्ट स्क्रीन पे ये जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखें कि इमेज 1 पे जब क्लिक हो रहा है तो स्क्रीन 2 पे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है ताकि 2 वैल्यू मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। सो लिस्ट इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि एक तो ये हो जाएगा वीडियो का लिंक, जो भी वीडियो का लिंक है वो वीडियो प्ले होगी, दूसरा जो कैटेगरी नीचे शो हो रही थी ये उसकी टेबल का नेम यहाँ से लेके जा रहा है, ठीक है। और ये सब इसी में सब जितने भी इमेजेस हैं सब में ये सेम ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं। तो होपफुली ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। मे बी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, पर मैं कोशिश करूँगा आपको जितना मैं क्लियर कर सकूँ। अब हम स्क्रीन 2 पे आ जाते हैं। स्क्रीन 2 पे देखें जी, एक लेआउट मेरे पास एक यूट्यूब प्लेयर है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, उसमें मैंने 2 बटन लिए हुए हैं, और नीचे एक जो वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट है मेरे पास, जहाँ पे लिस्ट शो हो रही थी उसके नीचे जो है एक ऐड है मेरे पास। सो यहाँ पर अगर ब्लॉग्स में हम आए सो यहाँ पर हम करेंगे स्क्रीन इनिशियलाइज वाला ब्लॉग था, यहाँ पे ये देखें स्क्रीन इनिशियलाइज हुई तो क्या हुआ, कॉल यूट्यूब लोड आईडी। अब देखें हमने वहाँ से लिस्ट स्क्रीन वहाँ से जो हमने लिस्ट में वैल्यू लेके आए थे वहाँ पे 2 वैल्यू लेके आए थे। सो यहाँ पे पहली जो वैल्यू थी वो मेरे पास थी वीडियो आईडी, सो मैंने यहाँ पे पहली वाली इसको दे दी, उसको मैंने वीडियो आईडी प्ले कर दी। इसके बाद में स्प्रेडशीट का जो टेबल नेम है वो मैंने यहाँ से इसकी 2 वैल्यू थी लिस्ट की स्टार्ट वैल्यू की, तो मैंने उसको यहाँ पे ये दे दिया। और उसी से जो है मैंने स्क्रीन इसका 1 का गेट कॉलम इमेज वाली जो है वो कॉल कर ली, ठीक है। कॉल करने के बाद नीचे ये सारा साइड में आ रही है, ठीक है। और कॉल करने के बाद जो है मैंने इसको इस तरफ हम आ जाएं, इमेज को हमने कॉल किया था, ठीक है, लास्ट टाइम। और यहाँ पे जब स्प्रेडशीट वो इमेज कॉल कर ली तो उसकी वैल्यू इमेज वाली वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और इसी तरह से फिर 2 वाले से टाइटल लेगा, और टाइटल के बाद यहाँ से ये टाइटल लेने के बाद 3 वाले से जो है उसका लिंक ले लेगा। लिंक लेने के बाद ये वो उसी तरह से लिस्ट जो हम बनाते हैं सेम वो एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद देखें ये चीज़ तो होगी कि उसने लिस्ट भी शो कर दी, वीडियो भी प्ले कर दी, लेकिन जब उसकी एलिमेंट पे क्लिक हो रहा है लिस्ट पे तो फिर कैसे वीडियो प्ले कर रहा है। उसके लिए मैंने ये ब्लॉक लगाया हुआ वीडियो आईडी वाला, ठीक है। जब इस पे क्लिक होगा लिस्ट व्यू के एलिमेंट पे या आइकन पे, सो वो क्या करेगा, ये जो ग्लोबल लिंक हमने ले लिया है यहाँ पे, ये जो ब्लॉक हमने कॉल किया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे इसमें स्टोर किया हुआ लिंक वीडियो आईडी का, ठीक है। सो ये वीडियो आईडी उसी पे ये जब क्लिक होगा तो वीडियो आईडी कहाँ से देगा इसको, इस वाले से ये इसको लिस्ट दे दिया हमने, एलिमेंट इंडेक्स क्या दिया जिस पे भी क्लिक हुआ है, तो ये वीडियो वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा। इसके बाद आपने देखा था कि उसको इंडिकेट कर रहा था, तो ये स्पॉट लाइट वाला ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे इसको लगाया गया है। सो सेकंड स्क्रीन पे आई थिंक इतना ही था। हाँ, बाकी ये साइड मेन्यू की वो तो आप सबको
ऑलरेडी पता है। और ये बटन्स वगैरह हैं, बटन पे क्लिक करने फुल स्क्रीन इंटर फुल स्क्रीन, ठीक है। सो इसके बाद आ जाते हैं हम स्क्रीन 3 पे। कोशिश करूँ वीडियो लंबी ना हो। स्क्रीन 3 यही है कि आप देखा जब मोर पे क्लिक हो रहा था, ठीक है, तो मोर पे क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे ये स्क्रीन पे आ रहा है और यहाँ पे ये सारा साइड मेन्यू ही है। इसके बाद हम यहाँ पे अगर आ जाएं, देखें मोर पे जो है वो स्टार्ट वैल्यू के साथ आ रहा था। मोर पे क्लिक हो रहा था वो टेबल का नेम स्टार्ट वैल्यू साथ लेकर आ था, उससे यहाँ पे सबको टेबल नेम मैंने स्टार्ट वैल्यू से दिया है और उसी से जो है क्लिक होने के बाद सारे उसको कॉल किया है। और यहाँ पे फिर सेम वही चीज़ है कि जब इस पर एलिमेंट पर क्लिक हो रहा है तो ये स्क्रीन 2 पे जा रहा है, दो वैल्यू लेके जा रहा है, ठीक है। एक तो जो हमने स्टार्ट वैल्यू यहाँ से ली थी उसको मैंने 3DB में यहाँ पे स्टोर कर लिया था, ठीक है, ताकि ये देखें ये वाला, ताकि जब हम इसको दोबारा से स्क्रीन 2 पर लेकर जाएं तो हमें जो है इसको वैल्यू 3DB से कॉल करके उसमें से जो है ले जाएं वैल्यू को। सो ये सेम वही है, ठीक है, लिंक भी लेके जा रहा है और उसका टेबल का नाम भी लेके जा रहा है स्क्रीन 2 पर दोबारा से, क्योंकि हमने ज़्यादा स्क्रीन इसलिए नहीं, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो और एक ही स्क्रीन पर जो है हम मल्टीपल काम कर लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने और जो नोट करनी है वो ये है कि आपने यहाँ पे इनको टेबल का नेम आपने एम्प्टी रखना है, क्योंकि ये आप जो है स्टार्ट वैल्यू से लेके आ रहे हैं, सो इसलिए आपको टेबल नेम आपने किसी का भी यहाँ पे नहीं देना। इसके अलावा स्क्रीन 4 पे जाएं तो ये इसको खैर इग्नोर कर दें, ये वैसे ही था। और इसके बाद जो है ये स्क्रीन 5 है, ये फेवरेट स्क्रीन के लिए, फेवरेट लिस्ट और वॉच लेटर के लिए। सो ये अभी इन डेवलपमेंट है, सो जैसे ये अपडेट होगा, जैसे कंप्लीट होगा तो इसको जो है हम प्ले स्टोर पर भी अपडेट कर देंगे। सो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर का, वहाँ से इसको इंस्टॉल करके आप जो है चेक कर सकते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नई वीडियो आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।